सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। तो दोस्तों, जो सीड्स होते हैं लाइक तरबूजे के सीड्स हो गए, खरबूजे के सीड्स, तिल हो गए और डेट्स हो गई, ऐसी बहुत सारी हेल्दी चीजें होती हैं जो हम अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं पर वो खाना नहीं चाहते। तो इसलिए आज मैं बहुत ही बढ़िया सा सोल्यूशन लाई हूँ। मैं बहुत ही बढ़िया से लड्डू लाई हूँ जो कि है फ्लैक्स सीड्स के लड्डू। यानी कि इसे बनाना इतना आसान है और बच्चों को जब आप खिलाएंगे ना तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो इतना बढ़िया सा सुपर फूड खा रहे हैं। तो फिर देर ना करते हुए चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप सभी को पता है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक करेंगे, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएंगे। तो जल्दी से आज की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की रेसिपी के इतने अनगिनत फायदे हैं, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, बट इसके बेनिफिट्स ख़त्म नहीं होंगे। और अलसी के लड्डू सुनते ही ना सभी मुंह बनाते हैं, बट ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बच्चे क्या बड़े क्या सबको बहुत पसंद आएगी। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रख ली है और उसमें हमने डाला है 2 कप अलसी। यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है और इस तरह से लगातार चलाते हुए हम अलसी को भुनेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लगातार चला रही हूँ और 3 से 4 मिनट के अंदर ही आपको फीलिंग आएगी कि अलसी की धीमी धीमी सी खुशबू आ रही है। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर अब हम गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। दोस्तों, इसके अंदर जो थोड़ा सा मॉइस्चर था वो ख़त्म हो चुका है, एक अच्छा सा क्रंच आ चुका है। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1/2 कप सीड्स और साथ ही मैंने इसमें 1/2 कप डाले हैं तिल, वाइट तिल, जो कि बहुत अच्छा सा क्रंची सा फ्लेवर भी देते हैं और हमारी हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छे हैं। सीड सुपर फूड है तो डेफिनेटली ट्राई करना, स्किप इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे भी इस तरह से लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक हम भुनेंगे। हमने इस स्टेज पर कढ़ाई में कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस इसे ऐसे ही भुनना है, इसके अंदर भी थोड़ा सा जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और एक क्रंच आ जाए। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी को हम गरम होने देंगे, जब घी हमारा गरम हो जाएगा ना उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे गोंद। तो दोस्तों, गोंद के बहुत सारे फायदे हैं और यहाँ पे मैंने 1/4 कप के करीब गोंद ले ली है। आप गोंद की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं अगर आप बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं तो। गोंद को क्या करना होता है ना, हाई फ्लेम पर इस तरह से चलाएंगे तो गोंद हमारी फूल कर इस तरह से क्रंची हो जाएगी। फिर हम उसे बाहर निकाल कर थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब उसी घी में मैंने डाल दिया है 1 कप काजू और 1 कप बादाम, दोनों को साथ में ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसे चलाते हुए भुनेंगे। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स को ना हाई फ्लेम पर हम नहीं भुनेंगे, लो फ्लेम पर भुनने से क्या होता है, अच्छा सा क्रंच भी आता है, धीमा धीमा सा कलर भी चेंज होता है और उनमें कड़वापन बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरह से क्रंच हो जाए, आप देखें कि हमारे जो काजू बादाम है उनका कलर हल्का हल्का चेंज हो चुका है। तो इसे भी हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। लाइक जितनी भी चीज़ों को हम फ्राई कर रहे हैं या फिर ड्राई रोस्ट कर रहे हैं उन्हें ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कढ़ाई में घी कम हो चुका था तो मैंने 1/2 छोटा चम्मच घी ऐड किया और ऐड कर दिए 2 कप मखाने। मखानों के बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं और बच्चे ऐसे डायरेक्टली तो मखाने खाना ही नहीं चाहते, तो हम उन्हें खिलाएंगे इस तरह इनडायरेक्ट वे में। और मखाने से क्या होता है ना, इस रेसिपी का जो टेस्ट है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो मखाने को मीडियम से हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे और आप देखेंगे साइज़ में थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे और क्रंच आ जाएगा। तो बस इसे भी हम बाहर निकाल के ठंडा कर लेते हैं और अब कढ़ाई में डालेंगे फिर से 1 बड़ा चम्मच देसी घी। दोस्तों, ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएंगे। और अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि सूखे नारियल का बुरादा। दोस्तों, अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट है तो आप 1 कप यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर नहीं आप गरी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हमें गरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भून लेना है, उसके बाद हम उसे मिक्सी जार में पीस लेंगे। मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट को बिल्कुल धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए भुना और ये मेक श्योर किया कि उसका कलर चेंज ना हो। बस तब तक भुना है जब तक एक भीनी भीनी सी प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो दोस्तों, जितनी भी सारी चीज़ें थी मैंने सबको भून लिया और ठंडा कर लिया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है उन्हें ठंडा करना है। अब ठंडा करने के बाद हम एक एक चीज़ को ऐड करेंगे मिक्सर जार में और इसे फाइनली पीस कर इसका पाउडर बना देंगे। तो सबसे पहले आती है अलसी। अलसी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी तो मैंने इसे 2 बैचेस में डिवाइड कर दिया है
और दोनों बैचेस में अच्छी तरह से पीस कर इसका पाउडर बना दिया। अब आप देख सकते हैं सारी अलसी को एक बड़े से थाल में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। उसके बाद बारी आती है मखानों की, तो मखाने भी ठंडे हो चुके हैं, उसके बाद ही हमें इसे मिक्सर जार में डालना है। इसके साथ ही मैंने इसमें क्रश की हुई 3 से 4 इलायची डाल दी, हरी इलायची, जो कि फ्लेवर बहुत अच्छा देती है, प्यारी सी खुशबू भी देती हैं। मैंने यहाँ पर इसे हाथों से क्रश किया था तो मुझे इसके दाने थोड़े बड़े लग रहे थे, इसलिए मैंने फिर से इसे मिक्सर जार में ऐड कर दिया। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मखाने पिस चुके हैं, तो अब हमने इस मखानों को भी थाल में ट्रांसफ़र कर दिया। साथ ही हमने जो डेसिकेटेड कोकोनट भुना था वो भी इस स्टेज पर हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब बारी आती है गोंद की, तो दोस्तों गोंद ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। गोंद का क्या है ना, गोंद एक क्रंच में आ जाती है, जब आप देखेंगे ना फ्राई करेंगे और इस तरह से क्रश करेंगे तो इसका पाउडर बन रहा है, मतलब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। उसके साथ ही हमने यहाँ पर जो सीड्स और तिल ले लिए थे वो भी ऐड कर दिए, क्योंकि हमें इन सभी चीज़ों का पाउडर बनाना है। तो बस हमने इसे भी पीस लिया है और अब हम इसे भी थाल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया से सारी चीज़ों का हमने पाउडर ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो अलसी के लड्डू होते हैं ना दोस्तों वो कड़वे ना हो, इसके लिए हम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करते हैं, जिससे उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, साथ ही पता भी नहीं लगेगा कि आप अलसी के लड्डू खा रहे हैं। बस यहाँ पर एक चीज़ है जो कि है काजू और बादाम, उनका मैंने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं किया है, पर आप चाहें तो उनका भी बिल्कुल फ़ाइन पाउडर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू बादाम को थोड़ा सा हल्का दरदरा रखा है ताकि ये देखने में भी थोड़े अट्रैक्टिव से लगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों सारी चीज़ें हमने थाल में ट्रांसफ़र कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे ना, सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो लड्डू हो इनमें देसी घी की क्वांटिटी और अच्छी हो, तो आप इस स्टेज पर 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें हल्की हल्की गर्म है और जो देसी घी है वो रच जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो यहाँ पर आधा कटोरी देसी घी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड यहाँ पर नहीं किया है, मुझे ज़रूरत नहीं लगी। बस इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब आते हैं फाइनल स्टेज की तरफ। अगर आप मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं तो यहाँ पर जो मिश्रण हमारा बना है, आप 2 बड़े चम्मच सुबह सुबह दूध के साथ इसे ले लीजिए। मैं डेफ़िनेटली गारंटी करती हूँ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी मिठास हो, तो आप यहाँ पर गुड़, यानी कि गुड़ को मेल्ट करके उसमें पानी डालकर उसके भी लड्डू बना सकते हैं। बट आज मैं बिल्कुल बिना शुगर, लाइक बिना चीनी, बिना गुड़ वाले लड्डू बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर डेट्स ले लिए हैं दोस्तों, जिसके बीज निकले हुए हैं। कढ़ाई में हमने डाल दिया 1 बड़ा चम्मच देसी घी और डेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो मिक्सी में पीस कर भी आप इसे डाल सकते हैं, मिक्सी में पीसने से काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो मिक्सी में पीसने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे और बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में ही आ जाएगा। आप देख सकते हैं एक पेस्ट के फॉर्म में ये बन चुका है। तो बस जब ये अच्छी तरह से इस तरह से मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इसे हम उस मिश्रण में ऐड कर देंगे। अब दोस्तों जितनी आप मिठास पसंद करते हो उतने डेट्स आप उसमें डाल सकते हो, चाहे तो यहाँ पर गुड़ और पानी को मेल्ट करके भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप इसे एज अ पाउडर भी यूज़ करेंगे तो भी आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बस 2 चम्मच सुबह दूध के साथ आप इसे ले लीजिए। अब भाई हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये जो डेट्स का मिश्रण है ना ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो हल्का हल्का सा हम पाउडर उसके अंदर मिलाते जाएंगे और आप देखेंगे थोड़ी देर में ये जो डेट्स का मिश्रण है ना ये पाउडर में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वाले लड्डू ऐसे हैं ना, लाइक आप इसे छोड़ ही नहीं पाएंगे, डेफिनेटली आप इसे खाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर रहे हैं और 2 से 3 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे जो डेट्स का मिश्रण है वो पूरी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है। अगर आपको लगता है कि लड्डू बंधने के फॉर्म में नहीं आए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डेट्स का मिश्रण आप थोड़ा और ऐड कर दीजिए, या फिर थोड़ा सा गुड़ का मिश्रण आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने थोड़े से डेट्स का मिश्रण इसमें और ऐड किया है और अब फाइनली अच्छी तरह से रच चुके हैं। तो अब हम इसके बना लेते हैं लड्डू। तो यहाँ पर एक बड़ा सा मिश्रण का पोर्शन लेंगे और इसको हाथों से इस तरह प्रेस करके रोल कर देंगे और ये देखिए हमारे कितने सुंदर से लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। दोस्तों मेरे पूरे घर में ना लड्डू की खुशबू हो चुकी है, इतनी कमाल की खुशबू आ रही है
और मैंने जब ये लड्डू बनाए थे ना तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि क्या मेरे बच्चे इसे पसंद करेंगे, वो इसे खाएंगे या नहीं। बट ट्रस्ट मी, मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया कि किस चीज़ के लड्डू हैं। मैंने बस कहा था कि ये चॉकलेट के लड्डू हैं और बहुत टेस्टी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसे इंजॉय किया है। मैं भी काफ़ी खुश हूँ कि अलसी के लड्डू के बेनिफिट्स उन्हें ज़रूर मिल रहे हैं। तो आप एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। जितनी लजीज ये दिख रही है ना, उससे बहुत ज़्यादा लजीज ये है दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर सर्व करके दिखा रही हूँ, कितने सुंदर दिख रहे हैं। आप इन्हें रूम टेम्परेचर पर रखकर 2 महीने तक बड़े आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रिज में रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक, 4 से 5 महीने तक रखिए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और मुझे ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आप मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, लाइक कौन सी जगह से देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको किस चीज़ के लड्डू पसंद हैं। तो ये देखिए, कितने कमाल के लग रहे हैं ना हमारे लड्डू। तो देखा दोस्तों, ये अलसी के लड्डू जितने डिलिशियस दिख रहे हैं ना, उससे कई ज्यादा डिलिशियस हैं। मेरे बच्चों को पता भी नहीं लगता और वो बहुत ही हेल्दी सारी चीजें इस तरीके से खा लेते हैं। तो आप भी इसे बनाइए, नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि आपने अगर ट्राई किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।